आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। कम्युनिटी हॉल में हुआ 18 प्लस के युवाओं का वैक्सीनेशन। टीकाकरण का हिस्सा बने विकलांग युवा। कोरोना महामारी की सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा प्रदेश भर में वैक्सीनेशन का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उम्र के अनुसार टीकाकरण का कार्य शासकीय अस्पताल के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार से 18 प्लस के व्यक्तियों को टीकाकरण करने का कार्य बड़वाहा में शुरू हुआ। दरअसल खरगोन जिले में विगत कई माह से शासकीय अस्पताल में वैक्सीनेशन का कार्य 45 प्लस वालों का किया जा रहा था, जिसके बाद अब ये वैक्सीन टीका 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए शुरू किया गया, जिसके तहत नागेश्वर रोड स्थित कम्युनिटी हॉल में बुधवार सुबह 9 बजे वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया गया, जहां प्रथम दिवस करीब 140 व्यक्तियों को टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसे लेकर कई युवा और युवतियों ने इस टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके अनुसार सुबह 11 बजे तक करीब 80 लोगों को वैक्सीन टीकाकरण किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला ने टीकाकरण स्थल पर मौका निरीक्षण किया, जबकि टीकाकरण करवाने आए व्यक्तियों के लिए भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर की टीम द्वारा हॉल में बैठे लोगों को गर्मी के मद्देनजर ग्लूकोज पिलवाया गया। इस दौरान बड़वाह रहवासियों के साथ ही सनावर क्षेत्र से भी कई युवा और युवतियों ने आकर टीका लगवाया, जबकि इस टीकाकरण में विकलांग युवाओं ने भी हिस्सा लेकर खुद को कोरोना से सुरक्षित रखने की पहल की। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। भैया बताएं, 18 प्लस वैक्सीन चालू हुई है, आपने निरीक्षण करा? आज से हमारे विधानसभा में 18 साल के युवाओं से लेकर 45 तक के लोगों को वैक्सीनेशन का शुभारंभ का अवसर है, और आज सभी मैं देख रहा हूँ, अभी आज 140 लोगों को वैक्सीन लगना थी, जिसमें अभी 11 बजे 85 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। युवाओं में बड़ा जोश है, और मैं समझता हूँ हमारी विधानसभा के सभी नागरिक, सभी हमारे परिवार के साथी बड़े जागरूक हैं कि आज मात्र 140 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें 84 लोग अभी तक आ चुके हैं। एक घंटे के अंदर 140 में समझता हूँ पूरे के पूरे लोग वैक्सीन लगवा लेंगे, और हम सब लोगों को परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी है। और ये जो भ्रम फैला हुआ है कि वैक्सीन से किसी की मौत हो जाती है या बीमार हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भ्रामक जानकारी जो फैला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैंने भी, मेरे परिवार में भी और कई लोगों को वैक्सीन लगी है। वैक्सीन लगने के बाद में ये बिल्कुल पूर्ण रूप से ये सुरक्षा हो जाती है कि इससे मौत नहीं होगी, और वैक्सीन रोग प्रतिरोध क्षमता वैक्सीन लगवाने से तैयार होती है, और उसके बाद उस रोग वैक्सीन के कारण जो कोरोना के कीटाणु, उनसे लड़ने की ताकत हमारे शरीर में आ जाती है, और हम लोग उस लड़ाई में सफल होंगे, जब भी देश के हम लोग सुरक्षा कर पाए।